बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस फेज 3 फ्रॉम इकरा हुफ्फाज बॉयज़ कॉलेज। हमने अपने पहले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 हीट का पहला पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ की रिवीजन की थी और मैंने आपको कुछ टॉपिक्स भी बीच में बताए थे कि जो शामिल नहीं है कंडेंस सिलेबस में। उम्मीद है मुझे कि आपको वो एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर 11 हीट, और इसमें इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज है तकरीबन वो भी अराउंड 40 हैं, हम उसको आज कवर करेंगे। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो पहले बेहतर है कि आप वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी अब आएंगे जो कि पहले आ चुके हैं और वो एक तरह से रिवाइज ही होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं नंबर 41 से। हमने 40 तक कर लिए थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो नंबर 41 है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ डैश, यानी चार्ल्स लॉ के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। आप सबको पता है V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होता है, और बॉयज लॉ के मुताबिक PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी ये वाला। तो चार्ल्स लॉ में V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। नंबर 42, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हीट की वो क्वांटिटी जो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम मास या 1 किलोग्राम मास को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में ये बुनियादी फ़र्क है कि हीट कैपेसिटी में मास नहीं आता और स्पेसिफिक हीट में मास आ जाता है। इन दोनों के फार्मूले में आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ कि जो हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा क्यू, वो बराबर होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के, इसको हम लिखते हैं सी। ये होती है हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पे कोई मेटल है या कोई भी एक एलिमेंट है, आप उसको हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो। तो अभी फॉर एग्जांपल इस मेटल का जो टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जितने इसको हीट दी, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर गया। तो आपसे कहा जाता है कि अगर आपने किसी मेटल, किसी एलिमेंट, किसी सब्सटेंस को हीट किया और उस हीट करने से पे उसके एक टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो गया, वो हीट की अमाउंट कि जितनी अमाउंट हम इस सब्सटेंस को देंगे तो उससे 1 डिग्री सेंटीग्रेड इस सब्सटेंस का बढ़ जाए, वो कहलाती हीट कैपेसिटी। ये हर एलिमेंट की अलग अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की हीट कैपेसिटी अलग होती है, और जो है वो कोई मेटल है उसकी हीट कैपेसिटी अलग होती है। पानी को आप ज़्यादा एनर्जी दोगे, ज़्यादा हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेगा, जबकि जो मेटल है मेटल की हीट कैपेसिटी अलग होती है, उसको आप थोड़ी सी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। जबकि जो स्पेसिफिक हीट होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, वो पर यूनिट मास होती है, यानी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पर एम आ गया, स्पेसिफिक हीट में एम आ गया और खाली हीट कैपेसिटी में एम नहीं आता, तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसमें पर यूनिट मास की बात होती है। बात वही है लेकिन यहाँ पे मास आ गया, तो जहाँ पे पर यूनिट मास आ जाए वहाँ पे हीट कैपेसिटी से कन्वर्ट होके स्पेसिफिक हीट बन जाता है। इसका यूनिट होता है जूल डेल्टा क्यू का, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। तो इस हीट कैपेसिटी का यूनिट बन गया जूल पर केल्विन। यहाँ पे जूल डेल्टा क्यू का यूनिट है, मास का यूनिट किलोग्राम या ग्राम होता है, और डेल्टा टी का यूनिट यानी टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये दोनों के यूनिट में फ़र्क आ गया। तो ये दोनों उम्मीद है कि आपके सामने क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर है स्पेसिफिक। नंबर 43, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज ऑब्टेन्ड बाय, आपको हीट इंजन का फार्मूला पता है एफिशिएंसी का, हमने कल भी यानी अपने लास्ट लेक्चर में भी उसको डिस्कस किया था कि कार्नो साइकिल की जो एफिशिएंसी होती है उसका फार्मूला होता है 1 - T2/T1। ये जो T1 होता है ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर होता है हॉट रिजर्वायर का, और ये जो T2 होता है इसको कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कहते हैं। ये इसको हम हीट सिंक भी कहते हैं, T2 को हीट सिंक भी कहते हैं,
और इसको हम हॉट रिजर्वॉयर कहते हैं या हीट सोर्स भी कहते हैं। तो T1 को हम हीट सोर्स भी कहते हैं और T2 को हम हीट सिंक भी कहते हैं। तो आपको ये बात पता है, T2 का टेम्परेचर कम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है और T1 का टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हीट सिंक का टेम्परेचर कम करने से एफिशिएंसी बढ़ती है और हीट सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ती है। यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द हीट सिंक एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। इस तरीके से हमारी कार्नो साइकिल यानी हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नंबर 44, ये टॉपिक एंट्रोपी का आपके सिलेबस में शामिल नहीं, फिर भी आप इसका फॉर्मूला याद कर लो। एंट्रोपी कहते हैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल एस होता है और ये बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी के, यानी इसका यूनिट भी होता है जूल पर केल्विन। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम फार्मूला ऑफ अ गैस इज गिवन बाय पीवी पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। स्पेसिफिक हीट का यूनिट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है, यह भी हमने डिस्कस किया। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यह आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर जीरो है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी गैस मूव नहीं कर रही होती तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है, याद रखो, होता है जीरो केल्विन। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है, आपको याद होनी चाहिए, 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन। इसका जो सिंबल होता है वो के होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। इसके बाद 49 पे है, हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास। याद रखें, जो स्पेसिफिक हीट होती है उसमें कभी कभी पर यूनिट मास लिखा होता है, कभी कभी मास इन ग्राम लिखा होता है, कभी कभी यूनिट मास लिखा होता है। तो मास के जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए तो वो हीट कैपेसिटी नहीं होती बल्कि स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, नंबर 50 पे है, डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर मोल इज कॉल्ड। ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आप डिफरेंस निकालो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये आपको पता है बराबर होता है आर के। आर को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये इसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट। डोमेस्टिक प्रेशर, यहाँ पे लफ्ज़ कुकर मिसिंग है, तो ये लफ्ज़ पूरा एमसीक्यू इस तरह से, अ डोमेस्टिक प्रेशर कुकर इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस, एडियाबेटिक आइसोथर्मल आइसोबैरिक आइसोकोरिक। तो जो प्रेशर कुकर होता है, आपको पता है प्रेशर कुकर का वॉल्यूम फिक्स होता है, उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसमें हीट इन हो रही होती है, तो इसका मतलब एडियाबेटिक तो नहीं हो सकता। उसमें टेम्परेचर भी चेंज सेम नहीं रहता, आइसोथर्मल भी नहीं होगा, प्रेशर भी सेम नहीं होता। प्रेशर कुकर का मतलब ये है कि प्रेशर ज़्यादा हो तो आइसोबैरिक भी नहीं होगा, रहेगी आइसोकोरिक। तो प्रेशर कुकर का चूंकि वॉल्यूम सेम रहता है, इसलिए हम जो प्रेशर कुकर में प्रोसेस होता है वो आइसोकोरिक होता है। नंबर 52, एब्सोल्यूट टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू। आप सबसे पहले क्या करो कि इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, फिर उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस कर दो तो 373 केल्विन आंसर आ जाएगा। नंबर 53, इन सेल्सियस स्केल अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे एक बात आप लोग समझ लें कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है ना, पहले हम सेल्सियस का लिख देते हैं और यहाँ पे ये होता है 0 डिग्री से शुरू होता है और ये 100 डिग्री तक जाता है। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है ना, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है। इस पूरे स्केल के दरमियान में टोटल 100 यूनिट्स होते हैं सेल्सियस स्केल में, और यहाँ पर भी 100 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करो, आप 100 यूनिट्स हो टोटल, ये जो 100 है ये वाला और ये वाला 0, इसको माइनस करो, 100 माइनस 0 ये 100 बनेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय जो आंसर आया 100, तो वो आंसर आ जाएगा 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो एक यूनिट है ना, इसका मेजरमेंट होती 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक जो यूनिट है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, अगले वाले को 2, अगले वाले को 3। लेकिन फ़ारेनहाइट में देखो तो 212 में से 32 को माइनस करो, 212 माइनस 32 करेंगे तो आ जाएगा 180, 180 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कैंसिल होकर आएगा 1.8 डिग्री। इट मींस
कि ये जो एक यूनिट है यहाँ पर ये 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझो कि अगर एक डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो इसका डबल यानी 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के, और आपसे यही पूछा गया यहाँ पे के सेल्सियस स्केल में जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है ना मैग्नीट्यूड, वो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री के बराबर, यानी 1 डिग्री सेल्सियस 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नंबर 54, मैक्सिमम वर्क डन कैन बी मेजर इन द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में मैक्सिमम वर्क डन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल की इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो मैक्सिमम वर्क डन जो है वो आइसोथर्मल में इसलिए हो सकता है कि डेल्टा यू जो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो जीरो हो जाता है, तो सारा का सारा जो वर्क डन है वो डेल्टा क्यू में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी हीट जो है वो सारी की सारी वर्क डन में ट्रांसफ़र हो जाती है। आपके पास आइसोथर्मल की जो इक्वेशन होती है वो होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, मीन्स ऑल हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। सो मैक्सिमम वर्क डन हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। नंबर 55, चेंज इन डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। जो ये लफ्ज़ डिसऑर्डर है ना, इसका मतलब होता है एंट्रोपी, ऊपर गुजरा है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम लिखा हो या डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम लिखा हो, दोनों की बात एक ही है। इसका फार्मूला ये आपके सिलेबस में ये शामिल नहीं है। इन सीजीएस सिस्टम नंबर 56, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू, या आप याद कर लो रिलेशन, 1 कैलोरी कैलोरी हीट का यूनिट होता है, जैसे कि जूल हीट का यूनिट होता है ऐसा यूनिट में। इसी तरीके से सीजीएस एक सिस्टम है जिसमें सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। इस सिस्टम में जो हीट का यूनिट होता है वो कैलोरी होता है, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। ये रिलेशन आप याद कर लो। हम जो सिस्टम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं MKS, MKS मीन मास मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं MKS, यही ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। और CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, हम पढ़ते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड, और CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखिए। इसके बाद आ जाए नंबर 57, एफिशिएंसी ऑफ अ कार्बोनेशन इज गिवन बाय 1 - T2/T1 होती है। इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दिस है, तो आप लोगों ने आंसर में नन ऑफ दिस लिखना है, कोई गलत ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। नंबर 58, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट -40 पे कोइंसाइड होते हैं, यह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर बिकम 0 at -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस यानी गैस का वॉल्यूम 0 केल्विन पे यानी एब्सोल्यूट 0 पर उसका जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। नंबर 60, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ परफेक्ट गैस, ये भी आपके सिलेबस में वैसे शामिल नहीं है, लेकिन इतनी बात याद रख ले कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ उल्टी बात देखी हुई है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kT, ठीक है। हमने ये पढ़ा अभी तक काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये फार्मूला है। अब ये 3/2 k, इसमें ये तीनों के तीनों कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इतनी बात बस आप याद रख लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। नंबर 61, एरिया ऑफ अ कार्नो साइकिल रिप्रेजेंट। कार्नो साइकिल को अगर ग्राफ में ड्रॉ करें तो उसके अंदर जो एरिया आता है उसमें यूजफुल वर्क हमें मिलता है। नंबर 62, ये वाला हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 64, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करें और वॉल्यूम को डबल करते तो लाजमन जो प्रेशर है वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें यही कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नंबर 65, बायोमेटलिक थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बायोमेटलिक का मतलब है दो मेटल, थर्मोस्टेट में दो मेटल्स यूज होते हैं एक साथ, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो वो लीनियर एक्सपेंशन पर वर्क करते हैं। नंबर 66, एरिया बाउंडेड बाय द आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व इन अ पीवी डायग्राम फॉर अ हीट इंजन रिप्रेजेंट वर्क डन। नॉर्मली जितनी भी कर्व होती हैं उनमें जो एरिया आता है अंडर द कर्व
वो वर्क डन शो कर रहा होता है। नंबर 67 एंट्रोपी, ये भी शामिल नहीं है। एंट्रोपी का टॉपिक पे इतनी बात याद रखें, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या कांस्टेंट रहती है। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। नंबर 68 अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, वॉल्यूम का चेंज जीरो है, इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। इससे हमें यह पता चलता है कि वॉल्यूम चूंकि चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन जो है ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन के फार्मूले में वॉल्यूम आ रहा होता है। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बराबर होता है पी डेल्टा वी के, ठीक है। तो वॉल्यूम चूंकि चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब जो डेल्टा डब्ल्यू है वी है वो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट नंबर 69 हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन केल्विन। इसमें बहुत स्टूडेंट्स ने गलती की है, उन्होंने कैलोरी लिखा, किसी ने BTU लिखा। तो याद रखें जूल तो ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का, कैलोरी CGS सिस्टम में होता है, ठीक है। BTU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी एनर्जी का यूनिट है। तो केल्विन रह गया, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट नहीं हो सकता। नंबर 70 बॉयल्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर आइडियल गैस इन अ प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो आइसोथर्मल होगा। नंबर 71 अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 100% ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। जाहिर सी बात है कुछ परसेंट उसमें लॉस भी होता है, सारे के सारी जो हीट एनर्जी है वो वर्क डन में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। नंबर 72 अगर कोई हीट फ्लो नहीं हो रही सिस्टम में, ना सिस्टम से बाहर जा रही ना सिस्टम के अंदर जा रही, तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। नंबर 73 मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ पॉली एटोमिक गैसेस एज कम्पेयर टू द मोनो एटोमिक गैस हमेशा ज़्यादा होती है। मोलर हीट कैपेसिटीज हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम मौजूद है। तो पॉली एटोमिक गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटीज मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक का मतलब है वो गैसेज जिसमें एक एटम है, मिसाल के तौर पर हीलियम HE, इसमें सिर्फ एक एटम है। और पॉली एटोमिक गैसेज जैसे O2 ऑक्सीजन, इसमें O2 दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर गैस बन रहे, तो ऐसे गैसेज का मोलर स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नंबर 74 थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। थर्मोस्टेट हमने ऊपर पढ़ा, बायोमेटेरियल थर्मोस्टेट होता है, वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रहने के लिए यूज होती है। नंबर 75 टू स्टीम इंजन ए एंड बी हैव देयर सोर्सेज एट 600 एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देयर सिंक्स एट 300 एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। ये सवाल जरा न्यूमेरिकल टाइप है, आपसे कहने एक इंजन ए है एक इंजन बी है। ए इंजन की जो सोर्स है उसका 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और जो बी है उसका 400 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं एक इंजन ए है एक इंजन बी है, ए का जो सोर्स है यानी T1 वो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बी है उसका जो सोर्स है यानी T1 वो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं आपसे कि जो सिंक है ए का वो है 300 और जो बी है उसका 200 है। ए का जो सिंक है यानी T2 वो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बी है उसका जो सिंक है वो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एफिशिएंसी के फार्मूले में मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बताई थी कि आपने टेम्परेचर को रखना है केल्विन में, तो इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। एफिशिएंसी आप निकालें ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, तो यहाँ पे आप 1 - T2 की जगह 300 नहीं रखेंगे बल्कि 273 प्लस करके रखेंगे, यानी 573/ और T1 की जगह आ जाएगा 600 में 873। इसी तरीके से यहाँ पे आप एफिशिएंसी का फार्मूला लगा लें तो 1 - T2 यानी 200 में आप 273 प्लस कर देंगे तो 473/400 में आप 273 प्लस करके लिखेंगे तो हो जाएगा 673। अब 573 और 873 को आप डिवाइड करा दें तो अनुपात बन जाएगा 573/873, आपके पास आंसर आया 0.65। 1 में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 34%, यानी ए की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 34%। अच्छा बी की आप निकालें तो बी में 473 है और 673 है, तो 473 को आपने ऊपर रखा और डिवाइडेड बाय 673 कर दिया और फिर माइनस 1 कर दिया,
तो 29% आ गई। तो आप देख सकते हैं किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो ए ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ए इज़ मोर एफिशिएंट देन बी। हम आगे चलते हैं नंबर 76। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको कन्वर्ट कर दें फ़ारेनहाइट में तो 122 आंसर आ जाएगा, इसका फार्मूला आपको पता ही है। नंबर 77, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस हमेशा डिक्रीज होती है, इसकी वजह समझ रहे हैं। ये जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होती है तो आपको पता है एडियाबेटिक में ना हीट इन होती है ना हीट आउट होती है। एक सिस्टम है कोई कंसिडर कर लें जिसमें कोई गैस मौजूद है, अब इसमें एक्सपेंशन हो रही है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यानी इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ गया, इसका वॉल्यूम पहले कम था अब बढ़ गया। तो वॉल्यूम और प्रेशर आपको पता है कि इन्वर्सली रिलेटेड हैं, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कोई हीट तो जा नहीं रही, ना अंदर जा रही ना बाहर जा रही, तो इसलिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो इंटरनल एनर्जी जो है उसका रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। आपको पता है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर आप इसमें डायरेक्टली रिलेशन में आते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली रिलेशन होते हैं। लेकिन ये किस केस में होते हैं, जबकि प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम के साथ साथ जो प्रेशर है वो कम भी हो रहा है। तो लाजमन आपको ये पता है कि नतीजा क्या होगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे जितनी हीट थी वो इस बड़े एरिया में हीट डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो हीट है वो कम हो जाएगी, और हीट कम होने का मतलब है टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई हीट तो अंदर आनी थी जो टेम्परेचर को बरकरार रख सके। ठीक है, तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो इंटरनल एनर्जी हमेशा कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ड्रॉप होने से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, अच्छा आगे नंबर 78, मैक्सिमम वर्क डन आइसोथर्मल में हो सकता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन, आप इसको पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको फिर आप फ़ारेनहाइट पर कन्वर्ट करेंगे तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट एनर्जी कहलाती है, सारी एनर्जी को सम कर दें तो 81 पे है। एरिया इनक्लोज बाय पीवी डायग्राम, ये यूजफुल वर्क बताता है। 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 122, ये ऊपर भी आ चुका है। आखिर में नंबर 83 है, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1, यानी CP अपॉन CV, ये हमेशा 1 से पड़ा होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये MCQs क्लियर होंगे, फिर आप इसमें आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट हम चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।